आप शुरू किया हिंदी में तो हिंदी में पूरा ईमानदारी शुरू करो वहीं खत्म करो। ये जो व्यक्ति है ये तो सब्जी का धंधा करता है श्रीमान, इसकी चार छोटी छोटी नाबालिग बेटियां, देखो ऐसा जो आज अपने पिता के स्नेह से वंचित है, उस आधार पर माननीय न्यायालय से मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा सर, ये व्यक्ति जीवन के संकट से मोहताज है, आज उसका परिवार जो है आज सड़कों पर है, इसलिए माननीय न्यायालय से रहम के आधार पर और इस दया के आधार पर कि चार छोटी बच्चियों का भविष्य श्रीमान अंधकार में है। न्यायाधीश द्वय बोलिए जी, न्यायाधीश महोदय नहीं, न्यायाधीश द्वय, क्षमा चाहूंगा श्रीमान, दो लोग बैठे हैं जी श्रीमान, यहाँ पर ये बताते हैं कि जुआ खेल रहे हैं लेकिन कलयुग के समय में कोई पिता पुत्र आज भी जुआ नहीं खेलते, नहीं हुआ तुमसे कोई यहाँ के इतिहास साहित्य नहीं पूछ रहा है, ये किसने कह दिया पिता पुत्र साथ में जुआ नहीं खेलते, नहीं श्रीमान पिता पुत्र आज भी जुआ नहीं खेलते, आग रहने वाले हो सर, मैं छिंदवाड़ा से, तो छिंदवाड़ा में नहीं खेलते क्या पिता, आज भी सर एक सम्मान का भाव होता है, आज भी कोई भी पुत्र अपने पिता के साथ और पिता अपने पुत्र के साथ जुआ नहीं खेलेगा श्रीमान, ये तो आपका ये आपका अपने सेल्फ स्टाइल अजम्पशन है आपका, ये आपकी बात हम मानने को तैयार नहीं है, ये आपकी सोच हो सकती है। मैं माननीय न्यायालय से विनम्रता, आपने शुरू किया हिंदी में तो हिंदी में पूरा ईमानदारी शुरू करो वहीं खत्म करो, आपका आपराधिक अपील क्रमांक क्या है जी, आपराधिक अपील क्रमांक है 5896/2022। हाँ आप अभियुक्त नंबर कौन से हैं, छोटे लाल उर्फ छोटा कुशवाहा, छोटे लाल उर्फ छोटा कुशवाहा उर्फ कालका प्रसाद, कितने उर्फ हैं माननीय, दो हैं। हाँ क्या क्या हैं माननीय, छोटे लाल उर्फ छोटा उर्फ कालका, छोटा जी छोटा और उर्फ कालका, कालका जी वो नाम ही से लग रहा है बदमाश है सब, जो अभी तीन तीन जो है वो उर्फ उर्फ तो कितने खतरनाक इंसान होंगे ये, छोटे लाल छोटा फिर कालका फिर छोटा राजन बोलोगे आगे से लिए। माननीय न्यायमूर्ति से मेरा एक विनम्र निवेदन है, हाँ श्रीमान इस परिस्थिति में ये जो व्यक्ति है ये तो सब्जी का धंधा करता है श्रीमान, इसकी चार छोटी छोटी नाबालिग बेटियां, देखो ऐसा जो है आज अपने पिता के स्नेह से वंचित है, ये उस आधार पर माननीय न्यायालय से मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा सर, ये व्यक्ति जीवन के संकट से मोहताज है, आज उसका परिवार जो है आज सड़कों पर है, इसलिए माननीय न्यायालय से रहम के आधार पर और इस दया के आधार पर कि चार छोटी बच्चियों का भविष्य श्रीमान अंधकार में है, इस आधार पर माननीय न्यायालय से विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि छोटे लाल का प्रकरण जो है वो कृपया कर, मेरा निवेदन था कि इस प्रकरण में बहुत सारी विसंगतियां हैं तो माननीय न्यायालय से निवेदन करूंगा कि कृपया उस पर दृष्टिपात करें। अभियोजन का केस क्या है जी, माननीय न्यायालय से निवेदन है कि इन्होंने पैरा क्रमांक दो में कहा है कि अभियोजन के अनुसार अजय एवं उसके परिवार वालों के पास नगर पालिका के पानी का ठेका था, अजय कुमार कभी कभी नल के पानी का पैसा अधिक लेता था, इसी बात पर अजय एवं मीरा का विवाद हुआ था, इसी बात की रंजिश अजय रखता था, दिनांक 4/8/2012 को भवानी कुशवाहा एवं उसका भाई हीरा करण सागर तालाब में कपड़े धोने गए थे, तालाब के किनारे लाला राम कुशवाहा छिंगे और कमल सिंह अजय कुशवाहा छोटे लाल छोटा भूपेंद्र व दो अन्य व्यक्ति एवं फरियादी भवानी का भाई हीरा जुआ खेल रहे थे, जुआ खेलते खेलते उसके भाई हीरा से सभी लोग मारपीट करने लगे, भूपेंद्र ने उसके भाई हीरा के सिर के दाएं तरफ खंडा पटक दिया जिससे उसका सिर फूट गया, भूपेंद्र ने 12 बोर की बंदूक से एक गोली हीरा कुशवाहा के दाहिने तरफ मारी जो हीरा के दाहिनी हाथ की भुजा में लगी, छोटे कुशवाहा ने 315 बोर के कट्टे से गोली मारी जो हीरा कुशवाहा की कलाई में लगी, सभी ने एक राय होकर उसके भाई को पकड़कर जमीन पर पटक कर लात घूसों से मारपीट की जिससे शरीर में आई चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। माननीय न्यायालय से मेरा विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि यहाँ पर वर्तमान अभियुक्त के संबंध में किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचाने का आशय वर्तमान प्रदर्शपी दो के देहाती नालिश लेखकर्ता के द्वारा कहीं पर भी स्पष्ट नहीं किया गया। माननीय न्यायालय से मैं इसी चीज का ध्यान विनम्रता पूर्वक आकर्षित कराना चाहूंगा श्रीमान, इसकी शव नक्शा पंचायत नामा देखेंगे तो इसकी नक्शा पंचायत नामा की आखिरी से आठवीं लाइन कहती है कि मृतक के दाहिने हाथ भुजा में गोली का घाव है, कलाई के ऊपर व नीचे का घाव है और खून बह रहा है, मृतक काली सफेद चेकदार शर्ट एवं काला लोअर पहना है। माननीय न्यायालय का ध्यान मैं इसी बात पर, मृतक काली सफेद चेकदार शर्ट पर ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा,
अभियोजन ने यहाँ पर नक्शा पंचायत नामा में इसकी शर्ट का कलर सफेद काली चेकदार कर दिया है। इसके बाद जिस व्यक्ति ने इसका शव परीक्षण किया है उसके साथ उसने मृतक के खून आलूदा कपड़े पहुंचा दिए। अभियोजन के पास इस बात की क्या क्षमता विद्यमान थी कि जब मृतक का पोस्टमार्टम डॉक्टर करता उसके पहले आपने कपड़े पहुंचा दिए? और उसके बाद इस प्रकरण की हद तो तब हो जाती है जब ये प्रकरण FSL के लिए पहुंचता है, और माननीय न्यायालय का ध्यान में विनम्रतापूर्वक इस प्रकरण के FSL पर दर्ज कराना चाहूंगा, जिससे स्पष्ट होता है कि अभियोजन स्वच्छ हाथों से माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं आया, जहां पर ये बताते हैं कि चेक शर्ट का कलर हरे रंग का हो गया है। माननीय न्यायालय से मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि एक ही व्यक्ति एक ही समय में तीन तरह की शर्ट कैसे पहन सकता है। दूसरी बात, ये लिखते हैं थाना आर्टिकल डी पर हार्डिंग हॉस्पिटल दतिया की सील लगी हुई है। माननीय विद्वान न्यायमूर्ति के समक्ष मैं ये अभियोजन पर यह आक्षेप उत्पन्न करता हूं कि हार्डिंग हॉस्पिटल दतिया में किसी भी प्रकार से मृतक के कोई कपड़े बरामद ही नहीं हुए हैं। न्यायाधीश द्वय बोलिए जी, न्यायाधीश महोदय नहीं, न्यायाधीश द्वय। क्षमा चाहूंगा श्रीमान, दो लोग बैठे हैं जी। श्रीमान, इन्होंने हरी शर्ट बताई, पहले आपने काली शर्ट बता दी, आप फिर हरी शर्ट बताते हैं, इसके बाद शर्ट का कलर उसका जो भवानी है वो सफेद बताता है। श्रीमान, हर बदली परिस्थितियों में इसकी शर्ट का कलर बदल जाता है। वर्तमान अभियुक्त से किसी भी प्रकार की कोई जब्ती, कोई स्वीकारोक्ति कथन माननीय न्यायालय के समक्ष पटल पर मौजूद नहीं है। हमसे किसी भी प्रकार की कोई जब्ती नहीं होती है। इस प्रकरण की हद तो तब होती है जब इस पूरे प्रकरण में, मगर मैं माननीय न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, छोटे कुशवाहा तो आप ही है ना जी सर। श्रीमान, माननीय न्यायालय 315 के कट्टे से गोली मारी, हमसे कोई जब्ती जो हीरा कुशवाहा कलाई में लगी है। श्रीमान, कलाई में चोट है मैडम? नहीं, कलाई में चोट नहीं है। श्रीमान, डॉक्टर का मैं निवेदन करना चाहूंगा, डॉक्टर बताते हैं कि जो चोट है वो कोहनी में है, कलाई में नहीं है। श्रीमान, कोहनी में। ठीक है श्रीमान, एक छोटा सा निवेदन और करूंगा। श्रीमान, ये बताते हैं कि अभी कितना समय हुआ आपको? जी श्रीमान, श्रीमान 7 माह हो गए, लेकिन माननीय न्यायालय ने दो अभियुक्त गणों को 7 माह हुए हैं जी। माननीय न्यायालय ने दो अभियुक्त गणों को भी जमानत का लाभ प्रदान किया है। कौन है सर? ये जो है, इसमें एक है कमल सिंह उर्फ छिंगा, और इसमें है लाला राम कुशवाहा, जिन्हें 28/11/2022 और 6/1/2023 के आधार पर कमल सिंह जी, कमल सिंह उर्फ छिंगा और लाला राम कुशवाहा। श्रीमान, यहाँ पर ये बताते हैं कि जुआ खेल रहे हैं, लेकिन कलयुग के समय में कोई पिता पुत्र आज भी जुआ नहीं खेलते, और जुआ खेलने का मतलब केवल पत्ते नहीं होते, इन्होंने पत्ते जब्त किया, कहीं पर मौके पर कोई धन बरामद नहीं हुआ। तुमसे कोई यहाँ के इतिहास साहित्य नहीं पूछ रहा है जी श्रीमान, लेकिन ये बता रहे हैं कि जुआ ऐसा बरामद नहीं करते। ये किसने कह दिया पिता पुत्र साथ में जुआ नहीं खेलते? नहीं श्रीमान, पिता पुत्र आज भी जुआ नहीं खेलते। आग रहने वाले हो सर? मैं छिंदवाड़ा से। तो छिंदवाड़ा में नहीं खेलते क्या पिता? आज भी सर एक सम्मान का भाव होता है, आज भी कोई भी पुत्र अपने पिता के साथ और पिता अपने पुत्र के साथ जुआ नहीं खेलेगा श्रीमान। और ये जो प्रकरण बता रहे हैं, ये जो आपका ये आपका अपने सेल्फ स्टाइल अजम्पशन है आपका श्रीमान। एक छोटा सा निवेदन और करूंगा। नहीं श्रीमान, मेरा निवेदन ये आपकी बात से मानने को तैयार नहीं है। ये आपकी सोच हो सकती है श्रीमान, यहाँ पर कोई रिकवरी नहीं है। लेकिन ये कहना कि पिता और पुत्र साथ में जुआ नहीं खेल सकते, एक पूरा परिवार इसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते श्रीमान। और दूसरी बात, जिन लोगों को आप केवल अपने केस को मजबूत करने के लिए बोले जा रहे हैं। माननीय न्यायालय से मैं एक निवेदन विनम्रता पूर्वक करूंगा सर, मेरा केस की मजबूती की बात नहीं है। डॉक्टर PP पाठिया बताते हैं कि जुआ नहीं खेल लेते जी, जुआ नहीं खेल रहे थे। नहीं श्रीमान, ये बताते हैं कि कोहनी के ऊपर और कोहनी के मध्य भाग में चोट है, कलाई की चोट तो फिर भी नहीं है, हमसे कोई जब्ती भी नहीं है। और माननीय न्यायालय से निवेदन है सर, 4 छोटी छोटी बच्चियां हैं सर, वो अपने पिता के स्नेह के अभाव में बहुत वंचित है, और दो लोगों को माननीय न्यायालय ने जमानत का लाभ दे दिया है श्रीमान। और इनके प्रकरण से हमारा प्रकरण भी भिन्न नहीं है। और सर ऐसी स्थिति में इन दोनों के खिलाफ भी तो भवानी ने इसी बात का एलिगेशन लगाया था कि इन्होंने गोली चलाई। कितने दिन रहे वो लोग सर? ये लोग तो और जल्दी निकल गए सर, एक महीने में दो महीने में निकल गए। माननीय न्यायालय ने लाभ दे दिया सर। ये देखिए ना श्रीमान, आपका ऑर्डर है श्रीमान, देखो एक का ये है, आपका ऑर्डर है कमल सिंह और छिंगा का 6 का और 28/11 का लाला राम कुशवाहा का। श्रीमान श्रीमान, इनसे हमारा प्रकरण भिन्न नहीं है सर। ये मैडम देखो आप, है क्या इनकी पैरिटी है क्या? इन जो इसके खिलाफ कमल सिंह के खिलाफ क्या एलिगेशन है?
सेम एलिगेशन है श्रीमान। आप दिखाओ श्रीमान। मैं नहीं नहीं मैं, गोली मारी के कम से कम भी सभी लिख सभी एक राय होकर सबने गोली मारी। नहीं नहीं जी देखो ध्यान रखो, छोटे के बारे में लिखा है छोटे ने गोली मारी कलाई में लगी। नहीं श्रीमान देहाती नालिश में तो गोली मारने का लेख ही नहीं है, गोली तो सबके द्वारा मारी गई है और कलाई का तो कलाई का जो लेख ये कर रहे हैं ये एफआईआर के कुछ वस्तु नहीं है। प्रथम देहाती नालिश जो है उसमें किसी भी व्यक्ति के द्वारा स्पेसिफिक इस बात का वर्णन माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं है कि इन्होंने गोली मारी हो। और दूसरी बात पढ़ो फिर से पढ़ो देहाती नालिश। देहाती नालिश में माननीय न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा सर। श्रीमान ये देहाती नालिश में स्पष्ट करते हैं, जुआ खेलते खेलते मेरा भाई हीरा कुशवाहा को सभी लोग झगड़ा कर मारे। माननीय न्यायालय से मेरा विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि उसने सभी व्यक्तियों के बारे में बताया कि इन सभी लोगों ने गोली चलाई। यहाँ पर कहीं पर इस बात का लेख उसने नहीं किया है प्रथम सूचना रिपोर्ट में कि छोटे की गोली उसकी कलाई में लगी। और अगर मान लीजिए श्रीमान कुछ देर के लिए इस बात को मान लेते हैं तो माननीय न्यायालय इतने उदात्त हैं कि सर वो मार्मिक भाग नहीं है सर कोहनी जिसके आधार पर किसी की जान जा सके। और दूसरी बात श्रीमान हमारे स्पेसिफिक हमारे खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं है, हमारे खिलाफ कोई रोल नहीं है। ऐसी दशा में श्रीमान मेरा सिर्फ इतना कहना है कि चार छोटे छोटे बच्चे और इन्हीं पैरिटी के आधार पर माननीय न्यायालय को जमानत का